कोडरमा उपायुक्त रमेश घोलप ने कम वैक्सीनेशन वाले क्षेत्रों में खुद जाकर वहां रह रहे ग्रामीणों को वैक्सीन लगाने हेतु प्रेरित करने का बीड़ा उठाया है। ऐसे में रमेश घोलप चंदवारा प्रखंड के भोंडो और आरागोरा पंचायत के ग्रामीणों के बीच पहुंचे और उन्हें वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित करते हुए वैक्सीन के फायदे बताए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अफवाह फैलाने वाले और झोला छाप डॉक्टरों से लोग बचें। कोविड का वैक्सीन लेने के बाद हल्का फुल्का बुखार आता है, इसका ये मतलब है कि वैक्सीन का असर हो रहा है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं उन्होंने लोगों से कहा कि अगर आपने टीका लिया है तो दूसरों को भी प्रेरित करें। इस तरह के लोग जो हैं, जो ये अफवाह फैला रहे हैं कि टीका से ये होता है वो होता है, या ये लोग जो है जो बोलते हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, ये मुझे लगता है ये कोरोना से भयंकर लोग है ना। और इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत हमने सभी इंसिडेंट कमांडर को ये डायरेक्शन दिए हैं कि अफवाह फैलाने वाले लोगों के खिलाफ ये हम लोग उन पर कठोर कार्रवाई करेंगे और ऐसे लोगों पे हम लोग केस दर्ज करेंगे। तो मेरा आपके माध्यम से भी अपील है कि अननेसेसरी इस तरह की भ्रांतियाँ अफवाह लोग ना फैलाएं। टीका पूर्णतः सुरक्षित है, लोग बढ़ चढ़ के टीकाकरण में हिस्सा ले लें। हमने खुद ने भी लिया है, देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है, सभी जनप्रतिनिधियों ने लिया है, कई सारे लोगों ने लिया है। तो आप लोगों को इस तरह के अफवाह फैलाने वाले लोगों के चंगुल में नहीं आना है और ये टीका लेना। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।